इंदर कश्यप सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं अपनी सीट पर नहीं हूं, तो मुझे यहां से इजाजत दी जाए। माननीय सभापति जी, जो ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2010 यानी द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अमेंडमेंट बिल 2010 जो अभी माननीय मंत्री महोदय ने कुछ अमेंडमेंट्स लेकर जो है आज यहाँ पर पेश किया है, मुझे खुशी है इस बात की कि कई वर्षों से ये बिल एक्ट बना हुआ है और ये इम्प्लीमेंट हो रहा है सारे देश में, सारे प्रदेशों में। और राष्ट्रीय अध्यापक परिषद अधिनियम 1993 की जो स्थापना हुई देश में, अध्यापक की शिक्षा प्रणाली को योजनाबद्ध और समन्वित तरीके से उनके विकास के लिए उक्त प्रणाली में मापदंडों और स्तरों के विनियमन और रखरखाव करने की दृष्टि से हुई थी। और ये इतने वर्ष तक चलता रहा कार्य। और जैसे मंत्री जी ने अभी कहा है आपने कि 1995 से चल रहा है और ठीक चल रहा था, परंतु जब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के जो वहां का बोर्ड है एजुकेशन का, वो जो है 2008 में जब ये वहां पर केस लगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कुछ रूलिंग दे दी, कुछ और डिसीजन दे दिया, तब हम लोगों ने समझा कि इसमें जो एक्ट में है कुछ कमियां हैं और वो कमियों के लिए दृष्टि से आज ये आपने अमेंडमेंट यहां पर लाई है। बड़ी अच्छी बात है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि ये राज्यसभा में पारित भी हो गया। 16 अप्रैल 2010 को जो है राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था और 25 अगस्त 2011 को जो है राज्यसभा ने पारित करके आज हमारे पास भेजा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज इस बात की जरूरत है कि हमारे जो भविष्य जो है निर्धारित करने वाला, जो हमारा भविष्य है, जो उसको प्रोड्यूस करने वाला है, जो उसको पैदा करने वाला है, कल का भविष्य हमारे बच्चे। कंफ्यूजन है कि किस पे बहस हो रही है। मैंने तमाम मेंबर्स बैठे हैं, किसी को अगर मिला हो तो बताऊं मैं। ये व्यवस्था का प्रश्न है ना, किसी को नहीं मिला, कुछ मेंबरों को मिल गया, बस कंफ्यूजन है। ऑलरेडी सर्कुलेटेड, एनीथिंग यू विल सी दैट। सभापति महोदय, सभापति महोदय, आज ये जो अमेंडमेंट है, मैं समझता हूं कि आज के परिदृश्य में इस अमेंडमेंट को लाना बिल्कुल सामयिक है और हाउस में इसको डिस्कशन के बाद हम लोग पारित करने के लिए यहां पर बैठे और मंत्री महोदय का भी यही आशय है कि इसको हम पारित कर दें। दो जो इसमें सेक्शंस हैं, उन दो सेक्शन में ये जो है अमेंडमेंट लाया गया है। ये बात ठीक है कि आज हम 21वीं सदी में हैं, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफी एडवांस्ड हो गया। एक समय था, एक जमाना था जब गुरुजनों की हम परिभाषा जो है, गुरु क्या होते हैं, उसका एक अपना जमाना था। परंतु आज जो है हमको टीचर किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार की उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसकी जरूरत है। और एक उसका जो है पाठ्यक्रम अलग से हो टीचर का, तो उसकी आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु मैं समझता हूं कि इसमें जो हमारा एनसीटी एक्ट है, उसमें स्कूल की भी जो है वो उसमें परिभाषा थी नहीं। उस वजह से ही मैं समझता हूं कि जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है एचआरडी की, उन्होंने भी कहा कि इसमें जो ये डेफिनेशन है वो हमको डालनी चाहिए। और वो कमेटी ने कहा कि द कमेटी ऑब्जर्व दैट नोवेयर इन द एक्ट द टर्म स्कूल हैज बीन डिफाइंड। द कमेटी टेक्स नोट ऑफ द ओपिनियन ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट दैट द टर्म स्कूल विल बी कंस्ट्रूड इन द जेनेरिक सेंस। द कमेटी हाउएवर इज ऑफ द व्यू दैट इन द लाइट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट एडिड, अनएडिड, माइनॉरिटी, देयर नीड टू बी अ स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ द टर्म स्कूल इन द एक्ट। द कमेटी अकॉर्डिंगली रिकमेंड्स दिस एंड दैट। जो भी आपने उसमें कह दिया कि हमने सारी इसको
सारी इंस्टीट्यूशन को डिफाइन कर दिया है। ये बात ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज बाहर रह जाए, क्योंकि स्कूल कई किस्म के हैं हिंदुस्तान में। आज हम शिक्षा अलग अलग किस्म की दे रहे हैं, गरीब लोगों को अलग किस्म की शिक्षा दी जा रही है, अमीर लोगों को अलग अलग किस्म की शिक्षा दी जा रही है, गांव में शिक्षा किसी और प्रकार की दी जा रही है, जो अमीर करोड़पति अरबपति है उनको किसी और प्रकार की शिक्षा जो इस देश में दी जा रही है। परंतु ये बात ठीक है कि हमने जब हिंदुस्तान का जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमने उसमें प्रिंसिपल कुछ लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और उसमें हमने कहा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए। वो हमने इतने लंबे समय के बाद, लगभग अभी हम 2009 में वो बिल लाए, आप एजुकेशन मिनिस्टर, आपके माध्यम से वो बिल यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, पारित हुआ, इंप्लीमेंट हो गया है। परंतु लगभग 60 साल से ज्यादा हमको उसमें समय में वो समय लग गया। यानी कहने का मतलब है कि शिक्षा के प्रति हमारे देश में बड़े बड़े जो हैं वो कमेटियां बनी, बड़े बड़े कमीशन बने, बहुत सी चीजें आई, परंतु जो बेसिक बात है कि जो हम एजुकेशन हर को देना चाहते थे, क्योंकि हिंदुस्तान गरीब लोगों का देश है जहां पर गरीबी जो है बहुत ज्यादा है, और उन बच्चों के लिए हम शिक्षा देना चाहते जिनके पास दो समय की रोटी नहीं होती है। हम जानते हैं, कई बार मैं स्वयं एक टीचर रहा हूं और मुझे मालूम है कि कई बार हम जब प्रेयर में जाते थे तो कुछ हमारी बच्चियां हैं या बच्चे जो हैं वो फेंट हो जाते थे, उनको जो है वो चक्कर आ जाता था, और जब टीचर उनसे पूछते थे, प्रिंसिपल पूछता था, तो वो बताते थे कि हमको जो है कल शाम से खाना नहीं मिला है, हम भूखे ही जो है यहां पर स्कूल आ गए हैं। यानी इस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम। परंतु एक मैं आपको कहना चाहता हूं सभापति जी, मैं अपने बहुत लर्नड हमारे HRD मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये जो RT एक्ट लाया है, हमने उसका स्वागत किया है, बहुत अच्छा हुआ है कि हमने आज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अपने हिंदुस्तान के बच्चों को हम दे रहे हैं। परंतु उसमें 2-3 बातें मैं एक कहना चाहता हूं कि इसकी आवश्यकता है, कि जैसे आपने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि जो टीचर है उसकी क्या बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसकी जरूरत है। क्यों जरूरत इसलिए है, हम देख रहे हैं आज कि आज जो टीचर है वो अनक्वालिफाइड है, यानी उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं है। उसके अगर मैं आंकड़े आपके पास दूं तो आप, हम सब लोग चौंक जाएंगे कि किस प्रकार का एजुकेशन जो है हम आज अनट्रेंड टीचर के द्वारा दे रहे हैं। आश्चर्य इस बात का होगा कि आज आसाम में 61% जो नियुक्त अध्यापक हैं दे आर अनट्रेंड, 61%, और इसी प्रकार से अरुणाचल में 75%, नागालैंड में 71%, मेघालय में 70%, बिहार में 50%, और त्रिपुरा में 57%, और झारखंड में 45%, और जम्मू कश्मीर में 45%, सो ऑन। इस प्रकार से आज हिंदुस्तान में अनट्रेंड टीचर है। उसका क्या कारण है? कारण क्या हो सकता है कि आज, यानी जो एजुकेशन देने वाले जो अध्यापक हैं उनको ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, और ट्रेनिंग क्यों नहीं मिल रही है? उसका बेसिक कारण यही है कि आज के इस युग में टीचर्स को हम जो है ठीक तरह से उसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, उनको हम फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं, उनको हर प्रकार की फैसिलिटी देनी हमको पड़ेगी। और आज एक नया सिस्टम हमने नया पैदा कर दिया कि हम हर चीज को कॉन्ट्रेक्चुअल लगे करने, और टीचर भी आज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख रहे हैं। टीचर आज हम उन टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख रहे हैं, ट्रेंड हो या जैसे भी है। ये सिस्टम के ऊपर भी हमको आज सोचना पड़ेगा कि क्या ये सिस्टम ठीक है या नहीं। इसके ऊपर पैरा टीचर की बात जहां पर आती है, यानी लो पेड टीचर, वो बेचारे पढ़ाएंगे क्या, पर उनकी मजबूरी है कि चाहे उनको 6,000 दे दो आप, 8,000 रुपए दे दो, परंतु जो रेगुलर टीचर है, वही JBT टीचर जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा है, वो 20-25,000 रुपए ले रहा है जो रेगुलर टीचर लगा है, जो सबॉर्डिनेट सर्विसेज से लेकर जो है वो वहां से सिलेक्ट होके आया है। परंतु बेचारी ये जो टीचर, जो आज हम एक परिभाषा दे रहे हैं टीचर की, पैरा टीचर हो या मित्र विद्यार्थी मित्र हो, इस प्रकार से अगर हम अपना स्टैंडर्ड लो करेंगे, और इस जमाने में जबकि कंपटीशन का युग है, वी आर लिविंग इन द कंपटीशन एज, और आज बच्चे जो हैं वो चाहते हैं हमारे मार्क्स जो है 90-95-98 और कई जगह 90-100% मार्क्स जो है वो बच्चे लेना चाहते हैं, परंतु लेंगे कैसे? When we have no qualified teacher, when we have no trained teacher, so it requires that the basic qualification.
फॉर टीचर शुड बी देयर। इस प्रकार से ये जो सारी बातें हैं, और हम ये देख रहे हैं कि आज सारे देश में लगभग 7.72 लाख अध्यापक जो है। यू कैन कंटिन्यू आफ्टरवर्ड्स, नाउ हाफ एन आवर डिस्कशन वी आर टेकिंग अप, दैट वी विल कंटिन्यू टुमारो।